अब हमारे साथ खारिज भाई बैठे हुए हैं और बहुत ही फनी मिजाज में लग रहे हैं। तो आज भाई, स्टार्ट कर दी आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो आज भाई आपको अपना ना एंट्रो कर नहीं, मैं आपको बताया अपने अपना नाम। हाँ। सब बताओ ऑडियंस को। नाम आपने बता तो दिया ना मेरा, हाल इस सवाल का क्या बताऊं। और ये बताओ कि आप क्या करते हो, यानी कि मैं आवाम को तंग करता हूँ फिलहाल तो। अच्छा, भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी कोई दुर्घटना घटी हो? दुर्घटना? ओके किस मतलब, फनी या फिर अच्छा, कुछ भी आपका स्केरी? फेवरेट, नहीं फेवरेट हीरो कौन सा आपका? हीरो यार वो तो मैं खुद हूँ, जब मैं कैमरे में देखता हूँ ना अपने आप को फिल्टर लगा के, तो अच्छा, वही मेरा फेवरेट हीरो है। वो तो लगा है ही। अच्छा, विदाउट फिल्टर तो फिर हम जेन्युइन हीरो है। नहीं, मैं कोई फिल्मी इंडस्ट्री के बारे में भी बात कर रहा हूँ उसमें। यार अभी तो मैं बॉलीवुड को तो नहीं देखा, हॉलीवुड, अच्छा, हॉलीवुड में मेरा जो फेवरेट है अभी जो चल रहा है हीरो अब ये ना कह देना बस शांत है आई नहीं फिल्म ची। सैंड सैंडमैन, वो जो लड़का है सैंडमैन सैंड, में न्यू सीजन चल रहा है ना ये अच्छा। सैंडमैन का, तो वो लड़के की और गुड लुकिंग अच्छा आपकी है। फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है? बढ़ावा स्पोर्ट्स में मुझे मतलब जो मैं गेम वगैरह जो देखता हूँ पसंद, मुझे कुछ खास नहीं है, वैसे मैं पबजी लवर हूँ। पबजी खेल? नहीं, स्पोर्ट्स में कभी जिंदगी में कोई अगर अच्छी लगती हो तो कौन सी खेलना पसंद करोगे? फुटबॉल गुल्ली डंडा? नहीं, आपको आपने मुझे कहा था गुल्ली डंडा बहुत बुरे से यार, खेलते हम बचपन में हमने हर खेल खेला हुआ, बैंटे खेले हुए हैं, हैं। उसके अच्छा, बाद एक खेल होता है वांगी, वो खेले तो हर खेल खेला है। एक मुझे अपने बचपन में एक सीन याद है आपको, मैं वो बताता हूँ। अच्छा अब जो स्वी गैस वाले वो जो आके गड्ढा नहीं करके बड़ा सा, हाँ, जो खुदाई करते हाँ हैं। खुदाई करते हैं वो पाइप वगैरह डालने के लिए, तो वो हमारे घर के सामने बना हुआ था एक बड़ा सारा ना, अच्छा तकरीबन तो मैं छोटा होता था, अच्छा 16 साल का था। तो अब हम सारे दोस्त वगैरह खड़े हुए, तो मुझे ना क्रिश तब वो नवा नवा था, वो बड़ा पसंद था है। अच्छा तो फिर अब सारे छलांगे लगा रहे जो बड़े बड़े, तो वो तो कूद गए कृष की नई नई फिल्म हाँ आई कृष ना? की नई नई फिल्म, तो अच्छा, मैं भी ना मैं कह रहा मैं आपको कूद के दिखाऊंगा, तब हम उसका एक साउंड बोल देते हैं ओहो, सारे देख रहे मुझे भाई हारिस मारने लगा कृष की तरह। अच्छा, तो आपके तो जज्बा जरूर भी वही था कि मैं बैग हाँ ऊपर मैं बोली पीछे से बैग भाग के पार आ रहा कर हूँ, देंगे। तो मैं ओहो करते करते मेरे करीब ही था इतना, अच्छा, तो एक टांग मेरी ऊपर थी एक टांग मेरी नीचे, ऐसे मैं चिपक गया। ये मेरी लाइफ का बहुत आपके फनी अंदर वो क्या है मुझे नहीं बात था, आई? मुझे बहुत दर्द हुआ क्योंकि मेरे पाँव पे चोट लगी थी बहुत बुरी, तो अब मेरे जो यार दोस्त है मुझे उठाने के बजाय वो अच्छा, तो ऊपर से हंसना शुरू हो ओ माय गए गॉड, कितनी बुरी है मैं आपके मुझे तो निकालो ये साथ मेरी यार। लाइफ का बहुत फनी सीन था। वांगी खेल लेते हम हाँ आसिफ ने मुझे मारा थप्पड़, मतलब अच्छा बिजली लगाई मुझे, ओके। बिजली मार वहाँ की बढ़िया भी गेम होती है हाँ ये, गांव वाले लोगों को जो है उनको पता होगा, बाकी जो शहरी गुंडे उन्होंने नहीं पता होगा। अच्छा हाँ अब मुझे वो आए उसने आके मुझे बिजली में चपेट, तो ना मैं ना से नीचे बैठ गया, तो ना मुझे जब थप्पड़ पड़ा जब उठा तो मैंने ना देखा पीछे कौन कौन ही नहीं, कुछ ही हमारा दोस्त ओ होता माय गॉड, बड़ा अच्छा फ्रेंड था एक होता तो वो मेरे पीछे खड़ा था, मैं उठा हूँ मैंने उल्टे हाथ को इसको वो चमाट, अब वो ऐसे देख रहे थप्पड़ खा कर मेरे तरह से देख रहे, कहता अब मुझे नहीं कुछ कह रहा अब तुम्हें कह रहा था हाँ सुल्तान बेल ये बड़ा फनी सीन था। फिर पागा मैं कैसे मुझे हो रहे थे, तुझे खड़का कैसे तब हो मैं रहे रोने वाला हुआ, तो फिर एकदम ही मैं सोचा थप्पड़ लगाया था, मैं हंसना शुरू हो गया, एक आ, एक आंसू मेरा इधर था, तो मैं क्या तो यार लाइफ के जो याद रहते हैं बिला बंदे भी बारे आ गए आपको भी पीछे नजर आएंगे। तो
ये हमारे बिलाल भाई हैं, बहुत अच्छे किस्म के, इनकी भी आपको स्टोरी बताएंगे। तो अभी आज भाई से अलविदा लेते हैं, तो मिलते हैं अगले किसी और फ्रेंड के साथ। अल्लाह हाफिज़।